सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुर्खियां ते। डॉक्टर बलबीर सिंह बने पंजाब के नवे कैबिनेट मंत्री। राजपाल पुरोहित ने डॉक्टर बलबीर सिंह नूं चुकवाई सहुं। पटियाला दहाती तो विधायक ने डॉक्टर बलबीर सिंह। पंजाब मंत्रिमंडल विच होया वड्डा फेरबदल। डॉक्टर बलबीर सिंह बने पंजाब दे सेहत मंत्री। गुरमीत सिंह बीतेहर नूं सौंपिया गया माइनिंग विभाग। हरजोत सिंह बैंस नूं सौंपिया गया हायर एजुकेशन दा विभाग। उत्तर प्रदेश पुलिस नूं मिली वड्डी कामयाबी। गैंगस्टर एक्ट विच लुड़ींदा मीट कारोबारी यकूब कुरैसी अपने पुत्र समेत गिरफ्तार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पटियाला दिहाती तो विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह पंजाब के नवे कैबिनेट मंत्री बने ने। चंडीगढ़ के राजभवन में डॉक्टर बलबीर सिंह नूं गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने हलफ दवाया। दस दिए कि बलबीर सिंह पटियाला दिहाती सीट तो जित के विधानसभा पहुंचे सन। जिक्र कर दई कि अज फौजा सिंह सरारी वालों निजीकरणों का हवाला देंदे हुए इस्तीफा दिता गया सी, जिसनूं बाद विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंजूर किया। फौजा सिंह सरारी के इस्तीफे तो बाद डॉक्टर बलबीर सिंह नवा वजीर बनाया गया। हल्फ लैण तो बाद उन्होंने सेहत महकमे की कमान संभाली गई है। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री समेत छे मंत्रियों के विभागों में महत्वपूर्ण तब्दीली की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कोल हुण जेल विभाग भी होगा, जो पहला हरजोत सिंह बैंस कोल सी। हरजोत सिंह बैंस तो माइनिंग विभाग वापस लेके गुरमीत सिंह मीथेयर नूं दिता गया। हरजोत सिंह बैंस हुण स्कूली सिख्या हायर एजुकेशन तकनीकी सिख्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के मंत्री होणगे। इस तो इलावा चेतन सिंह जौड़ामाजरा तो सेहत विभाग वापस लेके नवे मंत्री बलबीर सिंह नूं दिता गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 के इनामी मीट कारोबारी यकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान नूं दिल्ली तो गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरडेंट अमित कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने दसा कि यकूब और इमरान नूं दिल्ली के चांदनी महल थाना खेत्र के एक फ्लैट तो गिरफ्तार किया गया। कुमार अनुसार 31 मार्च 2022 मेरठ के खरखौदा थाने विच दर्ज मामले अनुसार अल फहीमीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड विच मास की पैकिंग और प्रोसैसिंग का गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा है, जिसलिए दोवें दोषियों कोई लाइसेंस नहीं है। उन्हें कहा कि मामले में दोषी यकूब और उसका बेटा इमरान कई दिनों तो फरार चल रहे सन। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां ते सीमा सुरक्षा बल नाल अंजाम दिते सांझे ऑपरेशन विच एक फौजी ने उसके साथी समेत हैरोइन के 29 पैकेटों समेत काबू किया। कुल हैरोइन का वजन 31 किलो दसया जा रहा है। यह जानकारी दिंदा पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा कि पठानकोट में सिपाही वजो तैनात 26 साल फौजी जवान उसके साथी परमजीत सिंह समेत गिरफ्तार किया गया। उन्हें कहा कि नाकेबंदी दौरान दोहां मुलजमान नूं रोकया गया ते उन्हां दी कार विचों हैरोइन की बरामदगी हुई। दोषियों कोलों हुंडई वरना ते दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए ने। 31 किलो जी हीरोइन बरामद की उन्होंने जी वरना कार से उन्होंने वो कार भी बरामद की दोनों व्यक्तियों अरैसट करके इस टोटल 29 पैकेटों के 31 किलो जी हीरोइन बरामद की एक बड़ी वड्डी जी फाजिलका पुलिस के SSP साहब CAG स्टाफ होर पुलिस कर्मचारी और BSF ने जॉइंट ऑपरेशन दौरान क्योंकि बॉर्डर से ज्यों ही थोड़ी मोटी हरकत हुई उसकी इनफॉरमेशन के आधार पर वह BSF ने इनफॉरमेशन दी। BSF और पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट फाजिलका ने रल के जॉइंट नाकाबंदी की। उस नाकाबंदी दौरान जी ये दोनों व्यक्ति काबू हुए हैं। 31 किलो के करीब हीरा ने जी बरामद हुई। संगरूर तो संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने अमृतसर में प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के व्यापारियों को बचाने लिए पाकिस्तान नाल व्यापार करना चाहिए, इसलिए वाघा ते हुसैनी वाला बॉर्डर खोलिया जाना चाहिए। उन्हें कहा कि बादल ते BJP के राज विच पंजाब विच नशा फैलाया गया सी। बड़ी देर तो असीं कह रहे हैं कि जिहड़े साडे व्यापारी हैगे है, जिहड़े साडे किसान हैगे है, इन्हां दे हक बहुत मारे गए है कि पाकिस्तान दे नाल बॉर्डर नहीं खुलता। तो बॉर्डर जिन्ना चिर हुसैनी वाले का वाके का नहीं खुलता उन्ना चिर साडे व्यापारियों नूं ते साडे जिमीदारां नूं ते जिहड़ी साडी लेबर है उहदे उत्ते बहुत फर्क पै रहा उन्हां दी कमाई दे उत्ते।
ते सेंटर कहती है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी आती है, जे दहशतगर्दी आती है असी तो कोई दहशतगर्द देखा नहीं, उतों ड्रग्स जरूर आती है, असला भी आता है, ड्रग्स का तो सानू पता है जिहड़ा यह बादल दी ते बीजेपी दे राज दे विच ड्रग्स नू फैलाया गया है। श्रीनगर के बारामूला में भयानक अग लगन कारण दो रिहायशी मकान नुकसानी गई। घटना ओल्ड टाउन के जलाल साहब इलाके में वापरी, एक दो मंजिला मकान और एक मंजिला मकान को नुकसान पहुंचा। अग बुझाऊ अमले ने बड़ी मुशक्कत के नाल अग उत्ते काबू पाया। श्री आनंदपुर साहब तो संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी गढ़शंकर के पिंड थाणा की रविदास धर्मशाला के ओपन जिम के लिए 2 लाख रुपए की ग्रांट पिंड वासियों देने लिए पहुंचे। इस मौके संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी के नाल सीनियर कांग्रेसी आगू पंकज कृपाल तो इलावा इलाके के कांग्रेसी वर्कर अते पिंड वासी मौजूद रहे। इस मौके मनीष तिवाड़ी ने संबोधन करते हुए कहा कि 2024 की लोकसभा चोण के विच बड़ा बदलाव सामने आएगा, यह चोण देश की होंद बचाने के लिए लड़ी जाएगी। अज असी लोगों के दर्शन करने वास्ते आए थे, उन्होंने चैक देन वास्ते आए थे, एक ओपन एयर जिम का 2 लाख रुपए की ग्रांट देन वास्ते आए थे, और उदे नाल नाल जो उन्होंने समस्या सीगियां नाल साडे मेहंदवानी तो जिहड़े संघर्ष समिति वाले ने वह भी इत्थे आ गए थे, जिहड़ी मॉडुलस कैमिकल्स की प्रदूषण की समस्या हैगा उहदे बारे दसण वास्ते, तो आज ये अज की कार्रवाई है। हुण तक चन्नी साहब ने अपना स्पष्टीकरण देता है, चन्नी साहब ने अपने वालों जो बयान बनता सीगा उन्होंने देता है, सो इस तो बाद एक बार जो चन्नी साहब ने बयान देता है उसके बाद होर कुछ कहना बनता नहीं है। नवंबर महीने तो संघर्ष उत्ते बैठे किसानों ने अगले संघर्ष का ऐलान कर दिया है। किसानों ने 15 जनवरी तो बंद पाए टोल प्लाजा के बैरीकेड खोलन और डीसी दफ्तर अगे धरना वापस लैण की गल कही है। हालांकि इस मौके उन्होंने नवे संघर्ष का ऐलान किया। संघर्ष मोर्चा के आगू सरवण सिंह पंधेर ने दसा कि 11 जनवरी पंजाब जीरा शराब फैक्टरी में चल रहे धरने लोगों इंसाफ दवाने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सारे दफ्तर का घिराओ किया जाएगा। उन्हें कहा कि पंजाब भर में प्रदूषित पानी दरियावां ते धरती हेठले पानी में छड़न तो रोकने लिए किसान हुण संघर्ष के राह पए हुए हैं। इस मौके किसान आगू ने कहा कि 29 जनवरी किसान पंजाब भर में सवेरे 1 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे रेला रोकणगे। उन्हें कहा कि गणतंत्र दिवस उत्ते 26 जनवरी दिल्ली फतेह दिवस वजों मनाया जाएगा। 11 जनवरी आप जिन्हें भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर आ उन्हों का घिराओ करा जिला पद्धरा अमृत 11 जनवरी ठीक है जी। वो साडा मुख मुद्दा होगा जीरा फैक्ट्री जिहड़ा अंदोलन चल रहा उन्हों सरकार प्रवान करके समाप्त करे। ये नाल दी नाल पूरे पंजाब दे विच चाहे दरियावां विच गंदा पानी पाया जा रहा कैमिकल वाला, चाहे जमीन दे हेठ गंदा पानी पाया जा रहा कैमिकल वाला। अमृतसर नूं तुसीं जानदे हो जिवें जिन्ने भी बरसाती नाले अमृतसर दे उन्हां मुताबक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दे कानून अनुसार उन्हां च पानी पाया जा नहीं सकता, पर गैर कानूनी तरीके नाल तकरीबन 14-15 लाख दे नियर अबाउट अमृतसर की आबादी होगी, उस चों लखां बंदे उस गंदे पानी तो प्रभावित हो रहे आ। इन्हां मंगां नूं लैके जिहड़ा वासी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दा 11 जनवरी घिराओ करांगे। 6 बार की ग्रैंड स्लैम जेतू सानिया मिर्जा ने अज टैनिस तो संन्यास लैण का ऐलान किया। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि दुबई में WTA 1000 इवेंट उसका आखिरी टूरनामेंट होगा। सानिया ने 3 बार महिला डबल्स ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्सड डबल्स के खिताब जीते ने। वो इस महीने आस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स में खेडेगी। 36 साल सानिया ने पिछले साल भी संन्यास लैण का ऐलान किया। हालांकि बाद में उसने अपना ऐलान वापस ले लिया। टैनिस की एक वैबसाइट में दिए इंटरव्यू में उसने संन्यास तो वापसी उत्ते कहा कि वह नहीं चाहती कि वह सट कारण टैनिस तो दूर रहन, इसलिए उन्होंने रिटायर होने के अपने फैसले को अगे बढ़ाया तो फिर ट्रेनिंग शुरू की सी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालू ने वड्डा खुलासा किया कि दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग वालों 28 दिसंबर 2022 कमेटी के सबका प्रधान मनजीत सिंह जीके के खिलाफ 10 लाख रुपए के गबन का केस दर्ज किया गया। यह केस कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालू की शिकायत उत्ते दर्ज किया गया। इस संबंधी प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे कालका ते कालू ने केस बारे दसिया।
ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली में अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सिखा लिए किए कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सिखा की भलाई लिए जिन्ने कदम मोदी सरकार वालों चुके गए हैं उन्ने किसी सरकार वेले नहीं चुके गए। उन्होंने कहा कि भावें करतारपुर साहब का कोरीडोर होवे जां लंगर तो GST हटाना जां फिर सिखा की ब्लैकलिस्ट खत्म करना सारे काम मोदी सरकार वालों किए गए। संगरूर जेल पुलिस की वड्डी लापरवाही सामने आई है। पुलिस मुलाजम सड़क उत्ते पैदल ही दो मुलजमान नूं सिविल हस्पताल तों जेल विच लियाउंदे नजर आए ने। इस दौरान कोई भी कैदी पुलिस की कस्टडी चों फरार हो सकता है क्योंकि अजिहे कई मामले सामने आ चुके ने जदों मुलजम पुलिस की हिरासत विचों फरार हो गए। सिक्योरिटी नूं लैके थाणा इंचार्ज ने कहा कि जे दोषी पाईदा है तां इसकी जिम्मेवारी उन्हां दी बनदी है, पर उन्हां कोल कोई गड्डी नहीं है इसलिए उह मुलजम नूं पैदल ही लैके गए ने। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही। जाते आते नज़र मारदे मौसम के हाल उत्ते, बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।